स्वागत है जी आपका कंधाल एग्रो फार्म्स में आज की वीडियो में हम जो ड्रैगन की जो विंटर में जो केयर है जो इसकी फार्म प्रैक्टिसेस है वो हम देखेंगे कि हमने क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है सो so डैट हमारा जो फार्म है सर्दी में इसको विंटर्स में आ, कुछ फंगस या रस्ट की दिक्कत ज़्यादा ना आए आ, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी फंगस या रस्ट नहीं आएगी वो आएगी आएगी बिल्कुल बहुत कम आएगी या बहुत माइनर ही आएगी तो उसके लिए हमने क्या करना है वो आज इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे तो पूरा वीडियो एंड तक देखें क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज डेट है पाँच जनवरी और समा तकरीबन दो बजे हैं दो सवा दो से ऊपर है और ये आप जो प्लांट सामने देख रहे हैं ये हैं इजराइली येलो के और सारे इजराइली येलो के ऊपर बच्ची ग्रोथ आ रही है और जो मेन चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको तो प्लांट्स के ऊपर कहीं भी आपको रस्ट या फंगस कहीं भी नज़र नहीं आएगी चाहे आप नई ब्रांच देख लें या चाहे पुरानी ब्रांच देख लें कोई भी सभी प्लांट्स हेल्दी हैं तो इसका जो मेन रीज़न है कि फंगस या रस्ट क्यों आती है वो आपको मैं बताता हूँ लेकिन सबसे पहले प्रूफ करने के लिए कि आज आ, कौन सी डेट है गूगल व्हाट्स द डे टुडे आज है फ्राइडे पाँच जनवरी फ्राइडे और मेन इसका जो फंगस या कुछ भी रस्ट है या कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लांट्स को वो मेन जो उसका रीज़न होता है जो एलिवेट करती है सिचुएशन वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं सबसे पहले जैसे फ़्रूटिंग सीज़न ओवर हो गया सबसे पहले तो हमने जो इसकी आ, अच्छे से इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है एनपीके हो गया या जीव अमृत हो गया या गोबर खाद हो गई या वमी कंपोस्ट हो गई तो वो तो हमने तुरंत देना ही है फ्रूटिंग सीज़न ख़त्म होने के बाद और उसके बाद जैसे दिसंबर में हमने इसको अच्छे से आ, गोबर खाद डालनी है या मुर्गियों की जो चिकन कंपोस्ट होती है सड़ी हुई या सल्फ़र हो गया कुछ भी मतलब ऑर्गेनिक जो हमने इसको कंपोस्ट देना है वर्मी कंपोस्ट हो गया फार्म यार्ड मेन्योर हो गया इवन की शीप मैन्योर हो गया रैबिट का जो मैन्योर होता है वो डाल सकते हैं तो वो जितना ऑर्गेनिक इसको डालों डालेंगे उतना अच्छा रहेगा तो तकरीबन मान के चलिए जैसा ये पोल है इसको तकरीबन 20 से 30 किलो खाद एक बार दिसंबर में डालनी है और दूसरी बार 20 से 30 किलो हमने दोबारा बरसात के दौरान उससे पहले डालनी है तो अगर ये हम इसको देते रहेंगे तो इसको फंगस वग़ैरह रस्ट, इसकी खुद की इम्यूनिटी बनी रहेगी तो बिल्कुल नहीं आएगी अगर आएगी तो बहुत माइनर सी आएगी वो अपने आप कवर कर जाएगा तो इसका जो मेन अभी जैसे आप देख सकते हैं कि प्लांट्स बिल्कुल हरे भरे हैं पाँच जनवरी है आज का जो तापमान है हमारे यहाँ पे अभी इस टाइम का नौ डिग्री है तापमान और आप देख सकते हैं प्लांट्स बिल्कुल हरे हैं अगर आपको मैं दूसरा उधर रेड वाली वैराइटीज़ भी दिखाऊं तो वो बिल्कुल अपने ग्रीन डार्क ग्रीन कलर के प्लांट्स हुए हुए हैं तो उसका मेन जो है हमने अभी सर्दी में जो इसकी जो केयर है वो मैं आपको बता देता हूँ वो आपने क्या क्या डालना है इसको सबसे पहले एक तो अगर आपके प्लांट्स हल्के हल्के येलोइश कलर में आ रहे हैं अगर आपको लगता है कि थोड़े से येलोइश कलर में रह रहे हैं तो आपने इसको मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे देना है और डोज में भी मैग्नीशियम प्रोवाइड करनी है उसका जो मेन कारण है जैसे अभी आप देख सकते हैं कि सूरज नहीं चढ़ रहा काफ़ी दिनों से चार पाँच दिन ही हो गए हैं तो उसके लिए इसका जो क्लोरोफिल प्रोसेस होता है वो रुक जाता है अगर सूरज कम आएगा तो उसके लिए जो मैग्नीशियम सल्फेट है जिसको एप्सन सॉल्ट भी बोलते हैं उसका जो मेन काम है इसका क्लोरोफ़िल का प्रोसेस तेज़ करना तो जब वो क्लोरोफिल का प्रोसेस जो तेज़ होगा उससे जो मेन हमें बेनिफिट ये है कि जो इसका फूड बनाने का सर्कल है क्लोरोफिल प्रोसेस तेज़ हो गया तो ये अपना फूड अच्छे से बना पाएगा और मैग्नीशियम के साथ अगर कोई डिफिशेंसी है तो ये कोप अप कर पाएगा और अच्छे से इम्यूनिटी बना के रखेगा और जल्दी फंगस वगैरह नहीं आएगी इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं सारे किसी के ऊपर कोई फंगस या कुछ भी मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगा और स्टेम का जो न्यू ब्रांचेस आई हैं बहुत अच्छी ग्रोथ भी है इनकी और अच्छा पल्प पैन में लेकिन ठंडी बहुत बड़ी है अभी ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज में से कुछ निकाला होता है बहुत ठंडी है तो ये आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो फंगस वगैरह तो नहीं आएगी क्योंकि नॉर्मली देखिए कोई भी वैरायटी है अगर कोई बोलता कि फंगस नहीं आता उसको वो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं फंगस या रस्ट अगर मेरी इस वैरायटी को आज नहीं है अगर मैं इसको अच्छी देखभाल नहीं करूँगा तो इसको आएगी आएगी ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इसको फंगस नहीं आता इसको ये नहीं होता फंगस सबको आएगा अगर आपकी आ, मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई अगर आपने इसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड किया फल लेने के बाद तो वो ऑब्वियसली उसकी इम्यूनिटी डाउन होएगी और वो जल्दी बीमार होगा मतलब जैसे हम इंसानों इन, का अगर एग्जांपल लें अगर एक बच्चा है उसकी ग्रोइंग स्टेज है उसको अच्छा न्यूट्रिशन ना दें लेकिन उसको हम पूरा उससे आउटपुट ले रहे हैं उसको वो स्पोर्ट्स खेल रहा है लेकिन उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहा तो वो उसकी ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा और उसकी इम्यूनिटी भी डाउन होगी वो हर सर्दी मौसम में जब मौसम बदलता है तो वो बीमार होएगा वैसे सिमिलरली प्लांट्स का केस है तो इनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए जैसे फ्रूटिंग का जो साइकिल ख़त्म होता है तो इसको अच्छा इसको न्यूट्री शन चाहिए जैसे ये रॉयल रेड वैरायटी है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई फंगस का नामो निशान नहीं है हल्की सी यहाँ पे रस्ट आ रही है क्योंकि ये नई ब्रांच है तो इतनी सी रस्ट तो पॉसिबल है वो आएगी आएगी आ, बाकी इसको भी मान के चलिए अगर मैग्नीशियम के एक दो स्प्रे और दे देंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसको थोड़ी सी गर्मी मिलेगी तो मेन आपका जो मेन है फर्टिलगेशन है जो खाद है वो अच्छी अगर आप डालेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और आपके प्लांट्स को फंगस वग़ैरह की दिक्कत नहीं आएगी और आपके सर्दियों में भी आपके प्लांट्स बहुत अच्छे हेल्दी रहेंगे नीचे हमने बेसल डोज में ऑर्गेनिक खाद तो डालनी डालनी है साथ में आप देख सकते हैं वो सल्फ़र भी डाला है हमने तो सल्फ़र भी डालना ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो एक तो सल्फ़र जो पीएच वैल्यू है वो थोड़ा सा कम करता है एसिडिक में करता है तो इसको जैसे हमारे पंजाब की जो सॉयल है वो न्यूट्रल से थोड़ी सी ऊपर रहती है अल्कलाइन में जाती है तो हमें डालना पड़ता है सल्फ़र इसको पीएच थोड़ा सा एसिडिक लाने में और सर्दी में भी थोड़ा सा हेल्प करता है इसको गर्मी देता है प्लांट को तो सल्फर डाल देना है और आपने सागर का के सी वीड ग्रैनुलर्स वो डाल देने हैं या पोटाश डाल देनी है या कोई भी खाद आप डालना चाहते हैं नीम खली हो गया आ, कोई भी तरह का जो कॉम्पोस्ट है वो आप डाल सकते हैं तो जितना अच्छा कॉम्पोस्ट डालेंगे उतना अच्छा ये रिस्पॉन्ड करेगा और मैग्नीशियम uh, सल्फेट का स्प्रे हो गया उसके बाद आपको ये पूरा चार्ट मैं दिखा रहा हूँ इसके बाद वो आपने पूरा इसका ये फॉलो करना है और इस अगर ये आप चीज़ें फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके जो ऑर्चर्ड में फंगस तो बहुत कम आएगी या नहीं आएगी ये तो नहीं हो सकता कि ना आए किसी किसी प्लांट के ऊपर आती है क्योंकि कोई ना कोई प्लांट थोड़ा सा डेफ़िशियंट रह जाता है या कोई रूट में उसके प्रॉब्लम रहती है या कोई भी चीज़ें हो सकती हैं तो अगर ये चीज़ें करेंगे तो आपका प्लांट जो है बहुत हेल्दी रहेगा और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं रहेगी और प्लांट आपका हेल्दी रहेगा और नेक्स्ट ईयर आपको अच्छी फ्रूटिंग मिल पाएगी इसको हम ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़ करेंगे फ्रूटिंग सीजन के बाद और इसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो बहुत फंगस की दिक्कत कम आती है मतलब और बहुत सारी चीज़ें होती है अकेली फंगस नहीं होती बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो नहीं होता तो ये सारे चीज़ें देखने वाली है गौर करने वाली हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फ़्रूटिंग सीज़न के दौरान तो इसको अच्छी सी इसकी सेवा करते हैं इसकी टेक केयर करते हैं लेकिन जो मेन इसका जो काम शुरू होता है वो फ्रूटिंग सीज़न के इमीडिएटली बाद शुरू होता है तो फ्रूटिंग सीज़न के इमीडिएटली बाद हमने इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू करना है क्योंकि जो इस इसकी ताकत लगी है फ्रूटिंग साइकिल में फ्रूट आ, फ्रूट को डवेलप करने में फ़्लावरिंग में तो वो रिप्लानिश करनी है वो इसको इसकी जो ताक़त है वो इसको वापस देनी है तो वो हम कैसे देंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ इसको अच्छा सा फार्म यार्ड मैन्योर और, और कंपोस्ट अच्छा सा चाहिए वो दिसंबर में आप देख सकते हैं और जनवरी में आप इसको मैग्नीशियम सल्फेट के स्प्रे देने आपने एनपीके के स्प्रे देने आपने वो डिफरेंट डिफरेंट है वो आपको एक चार्ट इस वीडियो के दौरान दूंगा बना के जो हम फर्टिकेशन जो हम फॉलो करते हैं तो वैसा आप कर सकते हैं उससे क्या होगा एक तो इसको आ, कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसकी एनर्जी बरकरार रहेगी और रिप्लेनिश होती रहेगी और पूरा सीजन में इसको फंगस का बिल्कुल भी अटैक नहीं आएगा तो आ, ये कुछ चीज़ें हैं अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका ऑर्चिड बहुत हेल्दी रहेगा और अच्छा फ्रूटफुल रहेगा और आपको अच्छा फ्रूट मिलता रहेगा तो हम बात करेंगे इसकी जो फर्टिगेशन की ये मैं आपको पर प्लांट के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली पोल के हिसाब से नहीं बताऊँगा क्योंकि ट्रेलिस के हिसाब से भी प्लांटेशन चलती है तो अब हम पहले बात करेंगे जैसे ये फार्म यार्ड मैन्यर है जो गोबर खाद होती है वो हमने तीन से पाँच किलो पर प्लांट के हिसाब से डालनी है और उसके साथ हम ऐड करेंगे जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो 200 ग्राम पर प्लांट और इसके साथ जो चिकन कंपोस्ट होती है जो मुर्गियों की सड़ी हुई खाद बस ये ध्यान रखना वो सड़ी हुई होनी चाहिए वो तीस से पचास ग्राम पर प्लांट के हिसाब से डलेगी और साथ में जो सागरिका या कोई भी सीवीड फर्टिलाइज़र के जो ग्रैनोअल्स होते हैं वो पचास ग्राम पर प्लांट और फिर कोई भी जैसे नीम खली हो गई या सरसों की खली हो गई या कोई भी कैस्टर जो होता है उसका जो केक है उसका पाउडर डालना है बीस ग्राम और एक सल्फ़र बेंटोनाइट होता है वो दस से पंद्रह किलो पर एकड़ के हिसाब से डलेगा और एक आपने दिसंबर में ह्यूमिक एसिड की स्प्रे देनी है वो चाहे पाउडर है तो एक ग्राम अगर लिक्विड है तो एक एम पर लीटर के हिसाब से फॉलियर देना है और ये सब आपने दिसंबर में डालना है अगर आपसे मिस हो गया तो आप इसको जनवरी में भी दे सकते हैं अब हम बात करेंगे जो फॉलोअर एप्लीकेशन देनी है हमने दिसंबर में देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं कोई ऑर्गेनिक करता है कोई दूसरा इनऑर्गेनिक भी यूज़ करता है मैं तो दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस बार ऑर्गेनिक में हमने ह्यूमिक एसिड और जो सागरिका है सीवीड फर्टिलाइज़र उन दोनों को स्प्रे करना है ह्यूमिक एसिड एक एम पर लीटर रहेगा और जो सागरिका या सीवीड वाला है वो दो एम पर लीटर रहेगा और साथ में हमने वर्मी कम्पोस्ट या कोई भी कम्पोस्ट की टी बनानी है वो हमने एक लीटर जो टी होती है उसको दस लीटर पानी में डाल के वो स्प्रे करना है और साथ में कोई अच्छा सा ऑर्गेनिक में जो माइक्रोन्यूट्रेंट होगा वो स्प्रे करना है प्लांट्स के ऊपर दिसंबर में और मैग्नीशियम सल्फ़ेट है जो वो पाँच से सात ग्राम पर लीटर वो प्लांट्स के ऊपर स्प्रे होगा वो दोनों में आएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्योंकि मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो एप्सम सॉल्ट है वो प्योरली ऑर्गेनिक होता है अब हम बात करेंगे जो इनऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक वाला तो स्प्रे करेंगे करेंगे उसके अलावा जो एन पी के आता है उन्नीस 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 वो दस ग्राम लीटर के हिसाब से एक तो वो स्प्रे देना हमने दिसंबर में और एक जीरो बावन चौंतीस होता है उसका दस ग्राम स्प्रे देना है दस ग्राम पर लीटर के हिसाब से एक उसका स्प्रे देना है और उसके अलावा हमने कैल्शियम का भी स्प्रे करना है वो एक ग्राम लीटर का होगा स्प्रे कैल्शियम हमेशा स्प्रे करना है हमेशा अकेला होगा किसी के साथ मिक्स नहीं करना और जिंक और बोरन हमने दोनों डेढ़ डेढ़ एम पर लीटर वो दोनों मिक्स कर सकते हैं स्प्रे करना है उसका और उसके अलावा कोई भी अच्छा सा माइक्रो न्यूट्रिय जिसमें आयरन कॉपर मलिगन मतलब काफ़ी कुछ और आ, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हों वो स्प्रे करना है इस इसके साथ जब जनवरी आएगा तो मिड जनवरी में हमने इसको जो एन होता है जो पचास किलो वाला बैग होता है ग्रैनुलर जो बारह बत्तीस सोलह तो वो हमने बीस ग्राम पर प्लांट के हिसाब से डालना है तो मैं एक बार दोबारा बता दूँ मैं पर प्लांट के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रैलिस सिस्टम चलता है पहले नॉर्मल रिंग सिस्टम होता था उसमें 2000 प्लांट एकड़ में होते थे लेकिन अभी ट्रेलिस है कोई 4000 लगा रहा है कोई 8000 लगा रहा है इसलिए मैं पर प्लांट के हिसाब से बता रहा हूँ तो एनपीके आपने जो बारह बत्तीस सोलह है वो 20 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से डालना है और जो डीएपी है वो भी 12 20 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से बेसल डोज रहेगी और एक पोटेशियम आता है एस ओ पी सिक्सटी परसेंट वो बीस ग्राम पर प्लांट के हिसाब से रहेगा और नाइट्रोजन जिसका यूरिया होता है वो पाँच ग्राम पर प्लांट पे रहेगा और उसके साथ हमने मैग्नीशियम सल्फ़ेट डालना है वो पाँच ग्राम पर प्लांट रहेगा तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा गैप डाल के डालनी है जो एन है डी ए है और पोटेशियम है इसको आप तीनों को एक साथ डाल सकते हैं नाइट्रोजन जो आपका यूरिया है वो अलग डलेगा मान के चलिए इनसे आप पाँच दिन पहले या पाँच दिन बाद डाल सकते हैं और जो मैग्नीशियम सल्फ़ेट है वो भी अलग डलेगा तो इन सबको डाल के आपने इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी चढ़ानी है ताकि जब आप भी पानी लगाएंगे या इरीगेशन करेंगे तो वो जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो पानी के साथ इधर उधर ना बह जाएँ वो वहीं पर रहें ताकि जब भी पानी लगेगा तो ये सारे ब्रेक डाउन होकर नीचे जाएंगे और रूट्स को मिलेंगे बाकी आज आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने बाकी फ्रेंड्स और फार्मर के साथ शेयर करें ताकि सबको अच्छी जानकारी मिल सके तब तक थैंक यू धन्यवाद